गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये जो हरदम मन में रहे इन तीनों के जिस व्यक्ति के मन और दिमाग में सत्य शिव और सुंदर का स्वरूप रहता है वो निष्कटंक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। यही संदेश आज शिवरात्रि के प्रथम कथन के रूप में मैंने दे दिया था कि कभी इंसान को असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी को धोखा देना चाहिए। और उसके प्रमाण में मैंने सती का प्रसंग भी बताया था कि उसने शिव के साथ धोखा किया और अपने पतिदेव को ही धोखा दे दिया झूठ बोल करके और अपने आप का सर्वनाश कर दिया। मित्रों श्रोता के सहयोग से वक्ता रहे प्रसन्न ये पापी पेट खाली रहे जब तक नहीं पड़ता अन्न। भाई ने कह दिया कि भाई कोई ब्राह्मण ने नहीं दे तो सीधो पाप का भागी हो जाए या नरक में चले जाए कुछ भी। लेकिन ये एक हास्य के रूप में भी है और दानम भोगे नास्ति तिस्त्रे गते वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गते। किसी के पास धन है उसकी तीन गति है, या तो उसको दान करो या उसका उपभोग करो, खुद इच्छा खाओ। ऋण करता ग्रतम पीने वेद कहता है कि कर्ज लेकर के भी घी पीना चाहिए। तो क्यों कि स्वस्थ शरीर रहेगा तो तू सारे कर्ज को उतार भी देगा। क्या बात। यदि दोनों ही बात नहीं करे, ना बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे, ना अच्छा मकान बनाए, ना खाए ना पिए, ना किसी सोशल फंक्शन के अंदर अपना ध्यान दे, ना सहयोग दे, तो फिर वो तीसरा रूप में वो धन नष्ट हो जाए। बहुत से ऐसे त्यागी हुए हैं, योगी हुए हैं, उन्होंने क्योंकि सच्चा प्रेमी त्यागी हो से बहुत बड़ा अनुरागी हो से। जो सच्चा त्यागी होगा वो बहुत बड़ा प्रेमी भी होगा और साथ ही वो निर्भीक भी होगा। तो मित्रों में विशेष नहीं कह करके और चूंकि ये कथा का बाहर है, ये तो भाई ये उनके व्यवहार से है। एक तो थे खेलो साधारण, एक थे खेलो, एक था रोड दुली चंदू कंपटीशन भाई डाडी वाले ने वो कितनी कठिन परीक्षा, कितना कठिन तप किया है, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा की है इसमें
शरीर तो इनका ये प्रतिज्ञा करने के लायक नहीं रहा, केवल इसी चिंता में डूब रहे हैं ये, आधा तो सूख लिया। लेकिन ब्राह्मण वचन के ऊपर टिका हुआ है। मेरे पास प्रथम सूचना आई थी उनकी, मैंने कोरोना के लिए प्रतिज्ञा कर दी है। क्या प्रतिज्ञा की भाई साहब? तो मैं जब तक दाढ़ी नहीं कटाऊंगा तब तक ये कोरोना वायरस से दूर नहीं चला। मैंने कहा ये आपको प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुष्टों का जो प्रभाव है और दुष्टता का प्रभाव है ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ये कोरोना का ही प्रभाव है। लेकिन इन्होंने नहीं मानी और इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। मैं हृदय से इनका स्वागत अभिनंदन और धन्यवाद भी देता हूँ। और इन्होंने जो कथा शुरू की थी प्रारंभ में वो सार्थक रूप से इन्होंने प्रारंभ कर दिए। बाद में कथा चलती 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 ये छोड़ो भाई, हंस के माध्यम से राजा नल पकड़ना चाहता है। हंस कहता है मुझे छोड़ दे, मैं तेरे गुणों का बखान करूंगा और तेरे दिल में जो प्रेयसी की इच्छा है कि मैं दमयंती के साथ शादी करूं तो उसको जाकर के तेरे गुणों का बखान भी करूंगा और संभवतः तेरा और उसका ऐसा मिलान होगा जिसके द्वारा तेरा भावी जीवन भी अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख से परिपूर्ण हो जाएगा। सुख दुख से, क्योंकि भगवान जो है सुख के दाता तो है। तीन बताई थी विधाएं इन्होंने, अकीय मनोहर भी है और काल सुहर भी है। तो सर्वप्रथम वंदना के रूप में ही कथा का भी अभ्यास और प्रयास करता रहूंगा।
प्रकाशित हर दम कल हम क्या रहे चार में से किसी एक को भर ले।
आज ये कैसे संभव होगा, मैं तो स्वयं द्रौपदी का दमयंती का इच्छुक हूँ, मैं स्वयं से ऊपर में जा रहा हूँ। बोले आप अपने राजधर्म से हट रहे हो, आपको क्या तो कहना नहीं चाहिए था कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, और यदि हमने आज्ञा दी है तो उसकी पालना करना आपका धर्म है, कर्तव्य है। जाऊंगा महाराज, लेकिन वहां तो संगीनों का फायदा है, कैसे जाऊंगा। देवों ने आदेश दिया, आदेश दिया, वह मंत्र दिया जिसके बल पर, देवों ने आदेश दिया मंत्र दिया जिसके बल पर, मैं राजा खुद चला वहां से, राजा खुद चला वहां से, नहीं कोई था दल बल पर, उसके साथ कोई दल नहीं था, स्वयं प्यार है। राजा ने आज्ञा स्वीकारी, नहीं काम कोई था छल पर, कोई कपट की बात नहीं थी, सब हर दूसरे से मान लिया, पहुंच गया ना देर लगाई एक पल पर, जो नौका चलती है जल पर, वही काम किया मछधारी का, पहुंच जाता है और जाकर के जब महल में उस सुकुमारी राजकुमारी को देखता है, राजा देखते ही और एक तरह से हैरान सा हो जाता है, और उस महल में अचानक राजा नल को देख करके राजकुमारी भी चकित हो जाती है, पूछती है कौन है आप, तो बताता है मैं विदर्भ देश की राजकुमारी, तुम्हारे स्वयंवर में आ रहा था, देवों के कहने से मैं यहाँ आया हूँ, अदृश्य शक्ति मुझे प्रदान दी है, वो आपसे विवाह करना चाहती है। बोला मैं तो उनसे विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो मन से वचन से और कर्म से आपको पति मान चुकी हूँ, जाकर कह दो उनसे, जाओ तो आप माला पहन लो, जाओ तो आप माला पहन लो, अब तो क्या पहन ले, मैं उसे थोड़ी हो गया, मन से वचन से माना है, हमारे नाथ जी ने कह दिया कि शास्त्री के विरुद्ध बात नहीं होनी चाहिए, अब आप जबरदस्ती माला पहनाओ, तो कथनानुसार को आकर के प्रार्थना करते हैं उन देवों से, किया निवेदन।
रखलाज आज मैं चरणों पर बैठा हे देवी, आप तो सतियों की रक्षा करने वाली हो, सद्बुद्धि मुझे प्रदान करो। और हे भगवान सूर्य, आप तो हमेशा सतियों की रक्षा करते हो, मुझे इतना आत्मपूर्वक बल दो ताकि मैं ये समझ सकूं कि इन पांच में से असली असल को पहचान सकूं, नल को पहचान सकूं, सकल को पहचान सकूं, अकल से सकल को पहचान सकूं, सकल को पहचान सकूं। अभी आपका मन लग रहा है, नल को पहचान सकूं, मैं तो असल को पहचान सकूं, केवल वैसे ही आ गया हूं। खाम खा जिसको कहते हैं, महाराज जो बात हो तारे के बाद रोज खाम खा कहते हैं ना, मेरा तो रिटायरमेंट हो चुका है बहुत पहले से ही। मैंने तो चार्ज भी आने वाले ये सज्जन भाई है इनको दे दिया। मैंने कहा भाई ये जो परंपरा है किसी ना किसी प्रकार से आगे चलती रहे और चलेगी, ये मुझे विश्वास है। लेकिन ग्राम की उपस्थिति को देख करके मेरा मन आज बहुत खिन्न हो रहा है। यहाँ बाहर से आने वाले श्रोता लोग आते हैं और गांव के लोग चांद की तरफ पैर करके सो जाते हैं। जब कहा गया है ज्ञानी है, ध्यानी है, गुणी है, विद्वान है, जानते हैं कि आज की रात यदि कुछ भी मत राम राम भी मत करो, लेकिन आप केवल शिव के मंदिर में या कहीं साथ साथ सत्संग हो रहा हो वहां जाकर बैठ जाओ और रात भर जो है निद्रा देवी से दूर रह जाओ, आपके सारे विघ्न दूर हो जय हो जय हो सब क्या बात। लेकिन फिर भी हाँ जी ब्रह्म वाक्य धनार्दन Thank you.
यह ऋषियों का व्याख्यान बड़ी लंबी जोड़ी है, ऋषियों का व्याख्यान मूल बात और सत्य सत्य पक्ष का रखना चाहिए ध्यान रखना चाहिए इसीलिए ऋषि मुनियों ने क्या महाभारत आख्यान और सत्य पक्षधारी का हरण पक्ष कर भगवान सत्य पक्षधारी का विनय बिहारी का ये गलत है, ये दूसरी लगाओ और दूसरी लगाओ गलत है ये सुनकर कथन बिहारी दूसरी लगाओ विनय बिहारी को ना एक कड़ी और ये गंदे है दूसरी फिट कर अरे सुनकर कथन बिहारी का और या हो गया कथन जो है ना वो सुन लो कथन बिहारी का तो विनय जो है ना विनय केस है विनय नपुंसक है ये सब में आ सकती है सब में आ सकती है ये आचार्य काल बना दिए काल आचार्य बना दिया नपुंसक है वो कहीं फिट हो सकता है डॉक्टर साहब बताइए समाज के वो वृद्ध आदमी हो जाए फिर उसको तो बनाने की जरूरत क्या है फिर फिट से जो ये जड़ोए हो गए थे ना नेता भर पैदा काम काम सही बड़ा चाहिए कई काम को ये सब मास के देखो नपुंसक जो शब्द होते हैं ना मैं अगले दिन मैं अगले दिन से तो मैं ये भाव का मैं कर रहा हूं बाकी नपुंसक